हर ब्लैंक के लिए आपके पास पाँच ऑप्शंस गिवन होते हैं जिनमें से आपको एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके फिलअप करना होता है इन क्वेश्चंस में आपको जनरली अपनी थोड़ी सी बेसिक कॉमन सेंस का भी यूज़ करना होता है एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपको पाँच ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किन्हीं तीन या फिर किन्हीं दो का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है उन केसेस में आप क्या करोगे कि जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसे आप थॉरली रीड करोगे यानी कि अच्छे से रीड करोगे एंड ये देखोगे कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है यानी कि किस बारे में बात हो रही है एंड जिस बारे में बात हो रही है फिर आप अपने ऑप्शन देख कर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रेलेवेंट है मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिट हो रहा है वो वाला ऑप्शन पिकअप करके लिखोगे सो so यहाँ पे भी हमें एक पैसेज दिया हुआ है एंड उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं पे नंबर डिनोटेड है हर नंबर के आगे हमें पांच गिवन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए हैं एंड हमें क्या करना है उनमें से बेस्ट रेलिवेंट ऑप्शन चूज करके लिखना है सो so, लिखा है इफ़ यू हैव एवर अ डॉक्यूमेंट्री वेर अचीता डैश अ गजैल फॉर इट्स नेक्स्ट मील यू नो वट अजेलिटी इज अजेलिटी होता है एबिलिटी टू मूव क्विकली यानी कि तेजी से मूव कर पाने की एबिलिटी एंड गजैल होता है एक टाइप ऑफ एनिमल होता है जिसके दो हॉर्न्स होते हैं तो लिखा है कि अगर कभी भी आपने डॉक्यूमेंट्री वॉच की है जहां पर चीता एक गजैल अपनी नेक्स्ट मील के लिए तो हमें एक डैश दिया हुआ है पर हमें यहाँ पर समझ आ रहा है कि वो हंट करता है उसके पीछे जाता है उसको मार के खाने के लिए तो हमें पता है बट एजिलिटी इज इसका मतलब क्या है कि वो बहुत तेजी से जाता है ऑप्शंस दिए हुए हैं वेयर अ चीता हेज प्रोसीडिंग अ गजैल लीडिंग अ gazelle, 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 and रेसिंग अ gazelle. एंड so the सो option जो इस कंटेक्स में जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उसके उसके पीछे, उसके पीछे ठीक जाना, वो चीज़ करना. बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं वो इस कंटेक्स में नहीं जा रहे हैं आज द टू एनिमल्स डैश इन mile एंड आर लाइफ एंड डेथ रेस एजिलिटी एंड स्पीड डिटरमाइन हाउ द डैश द एंड ऑपशन दिए हैं एज द टू एनिमल्स बाइंड एंगेज कॉन्फ्लिक्ट इंटरलॉक प्लेच सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एंगेज एंगेज होता है कि किसी भी चीज़ में पूरी तरह से रम जाना उसमें इन्वॉल्व हो जाना बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं वो नहीं जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट माने की लड़ना तो ये सारे ऑप्शन आउट ऑफ कंटेक्सट हैं लिखा है जैसे ये दो एनिमल्स एंगेज होते हैं अपनी आर और लाइफ की डेथ रेस में ठीक है तकरीबन सिक्सटी माइल की एजिलिटी एंड स्पीड डिटरमाइन हाउ द डैश एंड हैं हाउ द डिबेट एंड कंट्रोवर्सी लाइफ कॉन्फ्रेंटेशन एंड फन सो डिबेट कॉन्ट्रोवर्सी लाइफ और फन ये चारों ही आउट ऑफ कंटेक्सट हैं सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी कॉन्फ्रंटेशन जिसका मतलब होता है आमना सामना एक लड़ाई में एंगेज होना तो so, लिखा है एजिलिटी एंड स्पीड यानी कि कितनी तेजी से आप भाग सकते हो एंड कितनी तेज आपकी स्पीड है ये दोनों चीजें डिटरमाइन करती हैं कि हाउ द कॉन्फ्रेंटेशन दी एंड यानी कि जो आमना सामना है वो किस तरीके से एंड होगा वेदर द गजैल कैन डैश द चीता और द चीता कैन फीड हर कब्स विल बी डैश बाई विच एनिमल इज फास्टर एंड मोर

तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर दज कैन डैश द चीता तो यहाँ पे द ओनली करेक्ट ऑप्शन जो कि इसमें फिट बैठ रहा है वो है बैफल ऑप्शन नंबर ई क्योंकि प्लीज एंड खाली स्पेस मिटा देना क्वैश या रिफ्रेन ये uh, जो चारों ऑप्शन से ये कंटेक्स में नहीं जा रहे हैं सो द ओनली ऑप्शन इज बैफल वेदर दजैल कैन बैफल द चीता और चीता कैन फीड हर कब्ज विल बी Dash by which animal so will be determined will be ended claimed defined ya intended so the only option जो इस कंटेक्स के साथ जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए determined determined यानी होता है कोई भी फ firm decision लेना किसी भी एक decision पे आना next they say बोथ एनिमल्स है मतलब होता है क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट जो कि बहुत तेजी से भाग सके बहुत जल्दी भाग सके सो ऑप्शन है इनक्रेडिबली एक्साइटेडली आयनिकली एक्सपेक्टेडली एंड बिलीवेबली से so, लिखा है जो दोनों ही एनिमल्स होते हैं उनका जो स्केलेटर और मसल का स्ट्रक्चर्स होता है जो अनेबल करता है यानी कि जिस वजह से वो बहुत ज्यादा तेजी से भाग पाते हैं एंड हमें आ, उस भाग पाने को उस तेजी को एक वर्ड देना है सो इनक्रेडिबली एक्साइटेडली तो एक्साइटेडली यहाँ पे कंटेक्स में सही नहीं बैठ रहा है आयरनिकली नहीं बैठ रहा है एक्सपेक्टेडली इज आउट ऑफ कंटेक्स दिच इज गोइंग इज ऑप्शन नंबर ए इनक्रेडिबली यानी कि जिस पे हम विश्वास ना कर पाए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एक्सटेंट वाली जो बात होती है सो so, वो इतनी तेजी से भाग पाते हैं दैट इज इनक्रेडिबली स्विफ्ट एंड निम्बल साउथ वेस्ट एयरलाइंस लाइक द चीता एंड द गैल इज़ लीन एंड मस्कुलर एंड हैज़ क्विक डैश इट्स एजिलिटी इन क्विकली डैश पीपल सो ऑप्शन सेंस स्टिम्यूलेशन हैज़ क्विक स्टिम्यूलेन

साउथ वेस्ट एयरलाइंस जो है जस्ट चीता और गजेल की तरह ही लीन है मस्कुलर है एंड क्विक डैश इट्स एजिलिटी ठीक तो जो ओनली ऑप्शन यहाँ पे जा रहा है वो है ई रिफ्लेक्सेस हैज क्विक रिफ्लेक्सेस इट्स एजिलिटी इन क्विकली डैश ऑप्शन है रेंडरिंग मोबिलाइजिंग सर्विंग प्रिपेयरिंग एंड चेंजिंग सो रेंडरिंग का मतलब होता है कि कुछ देना ठीक है हेल्प करना देना एंड ऑन द अदर हैंड मोबिलाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मूवेबल बनाना या फिर कैपेबल ऑफ मूव ठीक है किसी भी चीज़ को इस कदर करना कि वो कैपेबल हो सके मूव कर सके सो so, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मोबिलाइजिंग क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो आउट ऑफ कंटेक्सट हैं रिफ्लेक्स इट्स एजिलिटी इन

रिसोर्सिस कम्स इन पार्ट इट्स स्मूथ कम्युनिकेशन स्टाइल एंड इट्स ओपन कम्युनिकेशन इज पार्शली अ फंक्शन ऑफ इट्स लीन स्ट्रक्चर एंड डैश कोड ऑफ कंडक्ट सो ए लाइवली कोड ऑफ कंडक्ट लैक्स कोड ऑफ कंडक्ट इन फॉर्मल नॉन एग्जिस्टेंट एंड वेक कोड ऑफ कंडक्ट तो क्योंकि यहाँ ओपन कम्युनिकेशन की बात हो रही है खुल के तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इनफॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ आर क्लोज टेस्ट एंड कीप रीडिंग न्यूज पेपर्स ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगे कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है इसका आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग सके एंड डोंगेट टू यूज अर बेसिक कॉमन सेंस बिकॉज जनरली ऐसे क्वेश्चन में हमें हमारी कॉमन सेंस का यूज करना ही पड़ता है आप एक से दो बार अपना पैसेज थोरली रीड आउट करोगे एंड देन देखोगे कि कौन सा पाँचों में से ऐसा कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो कि हमारे ब्लैंक में अच्छे से फिट हो रहा है इनकेस यू गेट कन्फ्यूज के दो तीन मीनिंग्स सेम है तो उस केसेस में आप अगर uh, एक ब्लैंक के ऊपर नीचे की लाइंस देखते हो तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि पैसेज की टोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है एंड अकॉर्डिंगली आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो सो आई होप आपको समझ आया होगा थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर